नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज की खास पड़ताल हॉस्पिटल ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। प्राइवेट क्लिनिकों और अस्पतालों को प्रदेश की जनता का गला काटने के लिए जैसे खुलेआम छूट दे दी गई हो। आज हम आपको मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के गृह जिले मुरैना की हकीकत का खुलासा करेंगे। यहाँ का जिला अस्पताल पूरी तरह से बेहाल है। बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का बजट आखिर किसकी सेहत बना रहा है? क्या रुस्तम सिंह बताएंगे कि आखिर शिवराज सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं उन्हीं के जिले में क्यों नहीं लागू हो पा रही है? देखिए स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोलता इंडिया फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई डॉक्टर किसी भी केबिन में कोई डॉक्टर नहीं बैठा। 16-17 तारीख से यहाँ पर मशीन खराब है, 20-25 दिन हो चले, 25 दिन के लगभग, और डायलिसिस नहीं हो रही है, मारा फिर रहा हूँ। दवाई यहाँ से मिलती ही नहीं है, बाहर से मार्केट से। पंखे ऊपर के खराब हो गए, तो पड़े हुए हैं अभी। गिनती में हमारे पास 52 डॉक्टर रजिस्टर के ऊपर, लेकिन जब मैंने देखा कि 27-28 डॉक्टर भी पूरे ओपीडी में नहीं हो पाते। हमारे यहाँ 100 नर्सें होना चाहिए जिसमें सिर्फ 60 हैं। तो क्या करें इलाज तो कर रहे हैं ना। जरा सोचिए, क्यों करोड़ों का बजट होने के बावजूद हमारे सरकारी अस्पताल बदहाल रहते हैं? क्यों प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक अपनी मनमानी करते हैं? दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह करोड़ों की दवाइयों और हेल्थ सर्विसेज का बड़ा कारोबार है। हमारे नेता तो खुद इन सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवाते, लेकिन इंडिया फर्स्ट अपनी ये मुहिम जारी रखेगा। स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोलती हमारी पड़ताल हॉस्पिटल ऑफ हॉरर देखने के लिए लॉग इन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट indiafirst.online पे। नमस्कार।